कोलकाता आरजी का अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार 27 अगस्त को कोलकाता में नबन्ना अभियान या नबन्ना राज्य विश्वविद्यालय तक मार्च का आह्वान किया है। इसे देखते ही पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। टीएमसी ने इस प्रदर्शन को बीजेपी का साजिश बताया है। कोलकाता पुलिस के अनुसार नबन्ना अभियान को देखते हुए शहर में 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बन्ना भवन के बाहर कोलकाता पुलिस और हावड़ा सिटी पुलिस का 3 लेयर सुरक्षा घेरा है। इसे पार पाना छात्रों के लिए बेहद कठिन है। बता दें कि पहले बंगाल का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में हुआ करता था, लेकिन जब 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आई तो उन्होंने हावड़ा में हुबली नदी के किनारे बिल्डिंग को सचिवालय बनाया और उसे नभान नाम दिया। नब से मतलब है नया। बीजेपी ने ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को नभान चलो अभियान नाम दिया था। इसके बाद वामपंथी छात्र संगठनों ने भी नभन्ना अभियान चलाया था। मालूम हो कि नभन्ना एक बिल्डिंग है जो हावड़ा में है। इसकी शुरुआत साल 2013 में की गई थी और 14 मंजिला इमारत है। यह सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मुख्यमंत्री का ऑफिस है और माना जाता है कि 13वें फ्लोर में चीफ और होम सेक्रेटरी का ऑफिस है। वहीं 4थे और 5वें फ्लोर पर कई विभाग हैं। गौरतलब है कि 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्र के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। छात्र के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल के प्रिंसिपल और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना के सामने आने के बाद ममता सरकार लगातार सवालों में है। अब छात्रों ने नबन्ना मार्च का आह्वान करके उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडर 24/7 लाइव टीवी पर डेस्क रिपोर्ट।